बिलासपुर जिला मुख्यालय पर स्थित बस अड्डा में गुरुवार को एक निजी बस परिचालक व बस अड्डा कैशियर समय सारणी को लेकर आपस में भिड़ गए। इसमें भिड़त में दोनों को मामूली चोटें आई हैं और दोनों के कपड़े भी फटे हैं। इस लड़ाई से कुछ देर के लिए बस अड्डा परिसर में हड़कंप मच गया, जिस पर बस अड्डा प्रभारी ने इस बारे में सदर पुलिस चौकी को सूचित किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस परिचालक व कैशियर को अपने साथ चौकी ले गई। बताया जा रहा है कि निजी बस परिचालक व बस अड्डा कैशियर समय सारणी को लेकर काफी देर से बहस कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों में हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बीच बचाव में उतरे बस अड्डा कैशियर की ऐनक भी टूट गई। निजी बस परिचालक का कहना है कि चालक परिचालक अपने रूट पर सही टाइम से चलते हैं, लेकिन बस अड्डा इंचार्ज हमेशा गाड़ी लेट करवाते हैं और लड़ाई करते हैं। चार दिन पहले भी इस बारे में लड़ाई हुई थी। मैं अरुण शर्मा, प्राइवेट भुवेश बस का कनेक्टर हूँ। इनकी सरकार घाट वाली परवाणु टू सरकार घाट बस जाती है, 12:40 का टाइम है। कनेक्टर और ड्राइवर जो अपने टाइम से चलते हैं, पर अड्डा इंचार्ज जो इन्होंने संजू जी बनाए हुए हैं, ये हमेशा गाड़ी लेट कराते हैं और हमारे लड़ाई करते हैं। चार दिन पहले हमारी लड़ाई हुई थी, बातचीत हुई थी, तो चार पाँच दिन से गाड़ी ठीक टाइम पे जा रही थी। अब आज फिर उन्होंने गाड़ी जब चला जा रहे थे ड्राइवर कनेक्टर, तो अड्डा इंचार्ज अंदर से एक आए और बोलते मैं अड्डा इंचार्ज था, गाड़ी रोक के रखो, गाड़ी लेट करो। उन्होंने गाड़ी लेट कराई और मेरे साथ हथोपाई की, तो मैंने अपने बचाव के लिए मैंने भी हथोपाई की थी। वहीं बस अड्डा कैशियर का कहना है कि निजी बस परिचालक HRTC बस के कंडक्टर के साथ गाली गलौज कर रहा था। जब उक्त परिचालक को समझाने की कोशिश की तो उसने हाथापाई शुरू कर दी। गाड़ी 12:40 पे चलती है यहाँ से, और वो कंडक्टर गुमारमी से आई गाड़ी और जो जा रही थी, तो कंडक्टर को गाड़ी क्लोज करना लग गया। मैं कह भाई क्या हुआ बात, मेरे लग गया गाड़ी क्लोज करने कंडक्टर को। मैं कह रहा भाई आप निकलो, कोई बात नहीं, एक आधा मिनट लेट भी हो जाती है, परंतु अभी बताड़ी हुए तो निकल जाओ आप, 1:10 भी हमारा टाइम है, आपका टाइम तो 1:50 का है। तो एक गाड़ी क्लोज लग गया करने, भी आप कौन होते हैं, आप यहाँ पे RTO है, आप यहाँ क्या मालिक है। मैं कह रहा भाई टाइम टेबल है तो अंदर देख रहा चल के टाइम टेबल अंदर, बोले मैं नहीं अंदर जाऊँगा, आप इधर आओ अपने मेरे पास। जैसे मैं वहाँ खड़ा बात करा तो उसने आपका पैसा भी मेरे को और मेरे को चोट मार दी और यहाँ लगी, मेरे कपड़े सारे इसने चीर दिए, फिर मास्क वगैरह तो सारे हुड वगैरह इसने सारा काट दिए। दिव्य हिमाचल TV के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।